तो मतलब अभी हम लोग जर्नी स्टार्ट हो चुका है और साथ में है हमारा राजदीप भैया और राजीव भैया के जो पापा है वो अंकल जी। फाइनली गुवाहाटी हम लोग आ चुके हैं। इस प्लेस को बाय बाय बोलते हुए क्योंकि भाई अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी हम लोग वशिष्ठ मंदिर पे जा रहे हैं और इधर से मतलब अभी बंद है तो कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा देर बैठे हम लोग फोटो दो तीन खिंचाए, तो अभी चल रहे अभी वशिष्ठ मंदिर पे। तो चलो हम लोग फिर से आ गए हम लोग वही सिटी बस पे। और क्या बताओ यार, पूरा देखो पूरा मुंह यार पसीने से लथपथ हो चुका हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो भाई देखो, एक तो बंद है भाई, एक मंदिर हम लोग जा नहीं पाए, तो दूसरा देखते हैं, अगर खुला होता तो अच्छा रहता भाई। तो भाई फाइनली हम लोग वशिष्ठ मंदिर पे आ चुके हैं और एक्चुअली भाई हम लोग जिस बस से मतलब पटना में जैसे आपको बस मिल जाएगा, तो बस का स्टैंड इधर तक ही एंड है और इधर से हमारा वशिष्ठ का स्टार्ट होता है। देखो एक बार एक सीरिया अपना शुरू पहले रख देते हैं, बस पहले शुरू रख देते। चलो ये बंदर से डर रहा है, कुछ नहीं होगा, चलो 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 चलो। और तो देखो भाई, तो आ गए हम लोग मंदिर पे और इधर साइड में देखो बहुत छोटे छोटे बंदर है, इधर बंदर बहुत ज्यादा है। ओ भाई साहब, नजारा ही नजारा, मस्त नजारा है और बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं इधर। वैसे बोल दो जगह बहुत ज्यादा मस्त है और सबसे बढ़िया बात ये है भाई, मेरे को आई होप आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा मेरा बात, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ और पानी का इतना ज्यादा मतलब साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, तो शायद आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा मेरा बात। ओ भाई साहब, तो ये देखो भाई पानी आ रहा है। तो भाई इधर का नज़ारा जैसा है भाई देखे पा रहोगे और टूरिस्ट साइड भी है, तो भाई मंदिर से ज़्यादा तो इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। और थैंक यू राजदीप भाई को भी भाई, क्योंकि अगर राजदीप ने मेरे को साथ नहीं लाता तो ये नज़ारा देखने को मिलता नहीं मेरे को। और बहुत दिन पहले मैं बोल रहा था कि भाई गुवाहाटी जाना है, घूमना है, और इसकी वजह से हो पाया। थैंक यू राजदीप। और बाकी सब देखो भाई, मस्ती मस्त जगह है भाई पूरा, और टूरिस्ट साइड सब देख ही पा रहे होगे। अभी राजदीप को मेरे को फोटो, राजदीप तो मेरे को फोटो खिंचवाएगा। और पूरा व्यू भाई आप देख लो 360 में। हटी जाओ। तो हम ट्राई करते चलो ऊपर जाने के लिए। राजदीप शायद ऊपर जा सकते हो, उधर से उधर चलो। तो भाई इधर का तो फोटो सेशन हो गया, चलो ऊपर चलते हैं क्योंकि अभी पूरा मंदिर दिखाना बात। अरे भाई गिर गया क्या? भाई गिर गया ये बंदा। चलो चाहिए। चिकना है भाई थोड़ा देख के। अरे अरे भाई मेरे को लेके जा भाई, मेरे को लेके जा। राजदीप अरे आते गिम्बल तो भाई। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड और इधर से भाई, इधर तो भाई सब लोग बोल रहे इधर पिकनिक स्पॉट भी है, तो चलो थोड़ा बहुत पिकनिक स्पॉट भी हम लोग पिकनिक स्पॉट को भी देख के आते हैं। और
ओह माय गॉड, इधर तो पूरा पिकनिक स्पॉट ही बन गया भाई। मंदिर है भाई, ये मंदिर है, ये देखो। ये तो बजाना पड़ेगा। तो भाई देखो, बहुत अच्छा मंदिर है भाई, और साथ ही में इधर पिकनिक स्पॉट भी है, मज़ा आ रहा है। कतई कतई ढेर वाला सीन है। और देखो भाई, लोग आ रहे हैं भाई, अभी भी लोग आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा है, और फिर भी देखो जितना टाइम हो रहा है भाई, भीड़ बढ़ते ही जा रहा है। और मैंने पता किया है उधर जो पुजारी थे उनसे कि एक घंटे के बाद एक पूजा होने वाला है, तो अगर हम लोग एक घंटे तक इधर रहेंगे तो पूजा का प्रसाद भी लेके जाएंगे। और बाकी तो आपने देखा भाई कितना मस्त जगह है कलई से। राजू कुछ बोलोगे इसके बारे में? मस्त सुंदर जगह। तो भाई इधर का एक प्रथा है कि इस मंदिर पे आओगे तो बंदर को कुछ खिलाना पड़ता है, तो मैं अभी खिलाने जा रहा हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा जल लग रहा है इसको खिलाने के लिए। ए जे ले 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 भाई ले ले, कुछ कर मत। चल ले लिया मेरे से पूरा पॉपकॉर्न का पैकेट। अरे अरे गिरा दिया। चलो खा लो भाई भाई, जो कुछ भी करो साल में एक बार तो घूमना ही मांगता है भाई। क्या बोलते हो राजीव? साल में एक बार तो घूमना ही मांगता है ना। तो भाई मंदिर को अभी हम लोग टाटा बोल रहे हैं, और देख लीजिए फाइनल एक बार। और इधर शायद बन रहा है अभी नया मंदिर कोई। बल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब चार्ज ये ज़्यादा, मतलब मैंने इसको करीबन आज देर से दो घंटा इसको चलाया ना, तो अब इसका ये मतलब एक साइड थोड़ा डाउन हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये मेरे मोबाइल की वजह से हो रहा है या इस मटर की वजह से, जो गिम्बल का ये पहले वाला जो है ना ये वाला, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं देखता हूँ अभी होटल पर चला जाऊँगा हम लोग, मतलब हम लोग अभी होटल में चले जाएंगे अंकल जी, मैं और राजदीप। फिर जाने के बाद मैं इसको चेक करूंगा। अभी भाई फिर से हम लोग सिटी बस पे आ चुके हैं, और सिटी बस पे आ चुके हैं तो मतलब और एक घंटा, आधा घंटा और एक घंटा लगेगा शायद हमको जाने में। तो भाई तो अभी प्लान थोड़ा हमारा चेंज हो चुका है, अभी हम लोग जाएंगे बालाजी मंदिर, क्योंकि कल जो है ना, कल पूरा का पूरा दिन ही हम लोग मतलब कामाख्या मंदिर के लिए दे रहे हैं, क्योंकि भाई उधर बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, और ऊपर से भाई हमको सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि अभी हम लोग चले जाएंगे बालाजी मंदिर पे। सो फाइनली हम लोग बालाजी मंदिर पे आ चुके हैं, और भाई रोड क्रॉस कर रहे हो, थोड़ा देख के रोड क्रॉस कर लेता हूँ, कोई नहीं है अभी। तो एक्चुअली बालाजी मंदिर पे आए हम लोग, उधर दूसरे रोड पे उतर गए थे, तो अभी घूम के हमको ओवर ब्रिज से नीचे होके इधर जाना पड़ रहा है। हम लोग जा रहे हैं बालाजी मंदिर में, और बीच में भाई थोड़ा बारिश हो गया था, तो देख ही पा रहे होगे पहले कितना सूखा था, आए भी थोड़ा बहुत बारिश गिर रहा है। तो हम लोग उधर एक स्टोर पे रुक गए थे, मतलब एक दुकान पे हम लोग रुक गए थे, तभी जा रहे हैं बालाजी मंदिर पे। और सच्ची में बताऊँ तो मेरे को बाहर से देख के बालाजी मंदिर बहुत ही मस्त लग रहा है, अंदर से तो होगा ही भाई, पूरा व्हाइट कलर का है देखो मंदिर, और उसके ही साइड में देखो छोटा छोटा ये मूर्ति लगा हुआ है, ये देखो मूर्ति लगा हुआ है छोटा छोटा। तो ये रहा बालाजी का एंट्रेंस, आप देख पा रहे हो इतना बड़ा गेट है भाई। वैक्सीन लॉस तो इधर से स्टार्ट होता है भाई, उधर ही गणेश मंदिर है सामने। तो ये देखो भाई बालाजी मंदिर, भाई मस्त सा जगह है, और ये गार्डन भी देखो भाई, फोटो सेशन चालू है।
वो भाई। और स्पेशली मैं सौरभ विश्वास को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मेरा दोस्त है, क्योंकि बालाजी मंदिर उसने ही रेफर किया था भाई कि तुम अगर जा ही रहे हो तो उधर चले जाना, मस्त सा ब्लॉग बना सकते हो आप। तो मतलब थैंक यू सौरभ, अगर तुम बोलते नहीं तो शायद मैं आता भी नहीं। और ऑल्सो थैंक यू राजदीप, क्योंकि भाई उसके वजह से ही मैं इधर आया हूँ। थैंक यू राजदीप, यो मैन। कोरोना का टाइम है भाई, मास्क पहन ले, कोरोना चल रहा है, चल मास्क पहन ले ब्रो। बालाजी मंदिर, ओ इधर से व्यू मस्त आ रहा है देखो। ओ भाई अभी बारिश भी आ गया है, और ये देखो कुछ तस्वीरें, ये शायद बालाजी मंदिर कर्नाटका पे है ना भाई, ये देखो शोकेस के अंदर। अरे हम लोग उधर जा नहीं पाएंगे, मंदिर उधर सामने है लेकिन हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश हो रहा है। इसका दरवाजा देखो भाई, भाई सब तो ये देखो, ये जो दरवाजा है वो देख लो आप, इतना ऊंचा है भाई, मतलब राजीव तू इसको हिला पाएगा दरवाजे को, एक को हिला के दिखा, उस साइड वाला हिला के दिखा क्या। अबे भाई बहुत भारी है, बहुत भारी है, राजीव भी अकेला ये हिला नहीं पा रहा है। इतना भारी है। हाय गाइस, तो बहुत ही जल्दी मेरा एक न्यू वीडियो आने वाला है, तो मैं अब तो भाई, तो भाई बारिश ने सब कुछ मौसम पूरा भीगा दिया यार, ऊपर से हम लोग मतलब अंदर का फुटेज ले नहीं पाया क्योंकि उधर स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, मतलब मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाहर का दिखा रहा हूँ। और ये देखो हमारा लड्डू प्रसाद मिल जाएगा इधर से, और इधर अंकल जी बैठे हुए हैं, मेरे वाला दे दीजिए अंकल, थैंक यू। चलता वो अंदर अलाउ नहीं है ना, उधर अलाउ नहीं है, तो मतलब मेरे दोस्त को मालूम नहीं था, वो फोटो खिंचाने चला गया। तो अभी हम लोगों ने लड्डू प्रसाद ले लिया है, और ये थोड़ा भुजिया टाइप का कुछ है, तो ये प्रसाद ही है भाई, तो हमें अब लेके जा रहे हैं। तो एक्चुअली अभी बारिश हो रहा है ना, तो हम लोग बाहर का भी कुछ दिखा नहीं पा। चलो अभी अभी थोड़ा क्या है ना, राजदीप के साथ थोड़ा पूरा एरिया घूम के आते, और अभी बारिश अभी भी हो रहा है भाई थोड़ा बहुत, तो ये पार्किंग एरिया है, तो थोड़ा पार्किंग एरिया भी देख के आते हैं भाई। ये देखो अंदर बहुत ज़्यादा भरा है, और ऊपर से भाई उस तरफ से मेरे को थोड़ा पहाड़ी का जो टीला है भाई वो दिखाई दे रहा है थोड़ी बहुत। ये हमारा सिक्योरिटी भाई साहब, तो भाई देखो, और अंदर जाके हम लोग शूट नहीं करवाए क्योंकि भाई उधर हमको मना कर दिया गया, और रूल्स है तो रूल्स के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता। पूरा भीग गया यार, देखो बारिश हो रहा था ना, अभी इधर भी लिखा है भाई फोटो मत उठाओ, वीडियो फोटो, अरे यार। तो चलो भाई इधर भी वीडियो नहीं कर सकते, जितना तक किया तो सही है, अभी मैं बंद कर रहा हूँ, इतना देखिए था। अगर आप लोग आओ तो फैमिली के साथ आओ, घूमो फिरो, मौज करो भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल रूम पे।